कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के कथित वायरल वीडियो को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सीएम पर निशाना साधा। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा, नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता का इस तरह प्रधानमंत्री का पैर छूना सही नहीं। जिसे लेकर भाजपा ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास संस्कार नहीं है, यही कारण है कि उन्हें इस संस्कारवान कार्य में भी आपत्ति दिखाई पड़ रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर तेज हुई सरगर्मियों के बीच राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। दरअसल टीएमसी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ धरना कर रहा था, जिन्हें पुलिस ने हटाने की कोशिश करते हुए कुछ नेताओं को हिरासत में भी ले लिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का शंखनाद करने आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर शहडोल में उड़ान नहीं भर सका। यहां आपको बता दें कि अचानक हेलीकॉप्टर में फ्यूल कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को रोकना पड़ा। हालांकि जबलपुर से अतिरिक्त फ्यूल मंगाया गया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से फ्यूल आने में देरी हुई, जिसके चलते राहुल गांधी को शहडोल में ही रात बितानी पड़ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलकर लड़ेंगे, जिसकी जानकारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दी। जहां उमर ने बताया, जम्मू की 2 सीटों और लद्दाख की 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस समर्थन करेगी, तो वहीं कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसे कांग्रेस समर्थन करेगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाई एस शर्मिला ने अपने बयानों से राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हाँ, वाई एस शर्मिला का दावा है कि उनके भाई और राज्य के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी वाई एस राजशेखर रेड्डी के उत्तराधिकारी नहीं। आपको बता दें कि वाई एस शर्मिला पूर्व मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी की बेटी और वाई एस आरसीपी सुप्रीमो जगन मोहन रेड्डी की बहन है। देश में इन दिनों लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, और इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने इशारों में टीएमसी पर निशाना साधा। शुभेंदु ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में तैनात केंद्रीय बलों को चुनाव के बाद 3 महीने तक और तैनात रखा जाना चाहिए। जहां इस बयान पर पलटवार करते हुए टीएमसी ने कहा कि उनका बयान पराजयवादी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा में बची सीटों पर ही टिकट के लिए असली घमासान छिड़ा हुआ है। एक एक सीट पर कई लोगों ने टिकट के लिए दावेदारी की है। जहां रामनवमी के बाद ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची घोषित होगी, तो वहीं भाजपा मैनपुरी जीतने के लिए डिंपल का विकल्प ढूंढने में लगी हुई है। सोनिया गांधी के बाद रायबरेली में कौन, इस बड़े सवाल का हल कांग्रेस आलाकमान ने करीब करीब ढूंढ लिया है। इंतजार तो है बस पहले चरण के चुनाव के पूरे होने का, जिसके बाद रायबरेली के रण में प्रियंका के उतरने के संकेत जिला कार्यकारिणी को मिल चुके हैं, जिसे सुनते ही कांग्रेस पार्टी के शांत बैठे कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अखिलेश की माफिया से रिश्तेदारी है वाले बयान पर पलटवार करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि केशव प्रसाद से बड़ा माफिया कौन हो सकता है, वो खुद एक बड़े माफिया है क्योंकि उन पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। सांसद स्मृति ईरानी ने पूर्व सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि वायनाड में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए पीएफआई का समर्थन लिया है, जो हिंदुओं को मारने के लिए लिस्ट बनाता है। ऐसे संगठन की मदद से राहुल गांधी चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं?